हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो? आए बच्चे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो शुरुआत हो गई एक नए दिन की, तो चले आज की ब्लॉग की शुरुआत भी करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर एस चॉइस ब्लॉगर में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10:30 बजे से। और अभी हम तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं आज मायके, और मैं इनको भेजने के लिए गुप्तकाशी मार्केट तक जा रहा हूँ। और साथ में करीना भी है, तो करीना यहाँ नीचे पे आगे चली गई है और हम दोनों पीछे आ रहे हैं। और मैडम जी दीपावली के लिए जा रही हैं अपने मायके, और मैं तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि घर में कोई नहीं है और घर में भी मतलब मेरा रहना ज़रूरी है। तो ये जा रही हैं, इस बार इनको मार्केट तक भेजूँगा, गाड़ी में बिठाऊँगा और वहाँ से ही चले जाएँगे। ठीक है, और इनका जाना भी ज़रूरी है क्योंकि इनको भी बहुत टाइम हो गया, लगभग डेढ़ दो महीने हो गए इनको भी, तब से गई नहीं। तो ये आज अपने मायके जा रही हैं। खुद आ गई है, खुद आ गई है। खुशी भी है पर नहीं लग रही आज खुशी तुम्हारे चेहरे पे है। और यहाँ पे करीना भी जो ही पकड़ गए बटा लगी है। और हम जा रहे हैं अभी पैदल रास्ते से क्योंकि टाइम 10:30-11 बजे का हो गया है और इस टाइम पे गाड़ी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये जागदार वाली रोड है आगे, और यहाँ से हम पैदल रास्ते से जाएंगे गुप्तकाशी। ये देखो, और बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो अभी हम पैदल रास्ते से जा रहे हैं, और आप लोग सोच रहे होंगे कि दिवाली को तो अभी टाइम है, इतनी जल्दी क्यों जा रही है। तो मुझे बहुत टाइम हो गया है, मैं अपने मायके नहीं गई हूँ, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के लिए गई थी। उसके बाद से मुझे काफ़ी टाइम हो गया है और काफ़ी खुद भी लग गई है, माँ की बहुत याद आ रही है और माँ को भी मेरी बहुत ज़्यादा खुद लग गई है। तो सोचा मैं पहले चले जाती हूँ, दिवाली तो आएगी। और अभी जा रहे हैं हम पैदल रास्ते से, और ये आगे चले गए हैं। और करीना भी लगभग एक हफ्ता हो गया इसको यहीं थी, और इसने मतलब ठान रखी थी कि मैं जाऊंगी तो इसको अपने साथ ले जाके जाऊंगी। तो आज फाइनली वो हो गया है। तो ये इनको मैं मार्केट तक मतलब भेजूंगा और वहाँ से अपने आप चले जाएंगे। कल ठीक था? और दोस्तों मैं भी अभी अपने गांव की गाड़ी में बैठ गया हूँ। तो दगड़ी अभी आ गया हूँ मार्केट से घर, और यहाँ पे अभी साथ में मेरे सिम्मू सिमरन है। अरे आज पूरे गांव को मीटिंग में आई तो मीटिंग मीटिंग में लोगों ने। और दोस्तों अभी रात के 7 बजे का टाइम हो गया है, और मैं तो कमरे में हूँ और बाकी नीचे पे पापा के साथ गोलू और उज्जल मतलब फुल दिवाली एंजॉय कर रहे हैं। अभी दिवाली आई नहीं है, पर मतलब आई गई है। अभी दिखाता हूँ आपको, पटाखे चला रहे हैं, फोड़ रहे हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे गोलू आ रखा है, और गोलू को डब्बू बहुत ही प्यारा मतलब बहुत ही अच्छा मानता है, सबसे अच्छा शायद गोलू को मानता है डब्बू। अरे देखो अभी चाटेगा, देखो इसको है, अभी नहीं चाट रहा है, आगे आपने देख लिया होगा वीडियो में। ये देखो गोलू इसी के साथ सोता है रात में भी। ये देखो गोलू के साथ क्या सुर का है देखो।
मानी था कथा बड़े मान है। देखो गोलू आज मेरे साथ सोने के लिए आया है और ये आगे पर डब्बू है, मुझे कब देगा बल। डब्बू भी आओगे सोएगा गोलू के साथ सोफा में। वो भी तो दोस्तों भी रात का खाना भी हो गया है और मेरे साथ आज गोलवार का है सोने के लिए, क्योंकि इसकी आंटी तो मायके चली गई है और गोलू ने सोचा कि मैं आज अंकल के साथ सोने के लिए चले जाता हूँ, क्योंकि हमारा घर अगल बगल पे है तो गोलू आज सोने के लिए आर का है। कैसा लग रहा तुझे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मस्त। अच्छा ठीक है, तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा बाय 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 बाय।